आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशि फल लेकर के आई हूँ 4 सितंबर से 10 सितंबर 2023 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा इस विषय पर बात करूंगी। राशिफल बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ही सामान्य तरीके से लीजिएगा। अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि से आप देख सकते हैं। अगर आपको अपना लग्न और चंद्र दोनों ही नहीं पता है, ऐसी स्थिति में आप अपने नाम के अक्षर से भी राशिफल को समझ सकते हैं। अगर आपका नाम र अक्षर से है, राधा है, रश्मि है, रमेश है, रितेश है, तो ऐसी स्थिति में ये जो र अक्षर है ये तुला में आता है, तो आपकी राशि क्या होगी? तुला बन जाएगी। तो आप ऐसे तुला का सुन लिया करिए। और अगर आपको अपने जन्म का नक्षत्र पता है तब उससे भी चेक किया करिए, क्योंकि जन्म के नक्षत्र से जो प्रिडिक्शन होती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि राशि तो बहुत बड़ी होती है, 30 डिग्री की होती है, तो वहां पर कोई भी प्लेनेट जा रहा होता है तो कैसे रिजल्ट देगा वो उतना अच्छे से नहीं पता चल पाता है। अगर आपको नक्षत्र पता चल जाए कि इस नक्षत्र के ऊपर से चंद्रमा जा रहा है, तब आपको और भी आसानी हो जाएगी समझने में। तो आप अपने जन्म के नक्षत्र से भी चेक किया करिए, क्योंकि वहां पर ताराओं को देखा जाता है। तो अगर मान लिया कि आपका जब जन्म हुआ था उस समय पर आपका चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में था, तो मंगल के किसी भी नक्षत्र में तो आपका जो पहला जो तारा बनेगी वो मंगल की। अगर मान लिया कि मिथुन में आपका था, मृगशिरा में, तो मृगशिरा और चित्रा और धनिष्ठा, ये तीन के तीनों ही नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है किसी में भी, तो आपके लिए पहली तारा किसकी हो जाएगी? मंगल की हो जाएगी, वो आपकी जन्म की तारा हो जाएगी। तो ये मध्यम होती है। फिर सेकेंड नंबर मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है? विंशोत्तरी दशा में राहु आता है, तो राहु आपका दूसरे नंबर का नंबर की तारा बन जाएगी। मतलब कि राहु के जितने भी नक्षत्र आएंगे सीक्वेंस से वो आपके दूसरे नंबर की तारा में आ जाएंगे। तो दूसरा वाला जो होता है वो शुभ होता है, संपत्त होता है। इसी तरह से तीसरा वाला क्या हो जाएगा? विपत्त हो जाएगा। मतलब कि एक के बाद एक ग्रह चलते रहते हैं, तो तीसरे नंबर वाली तारा, पांचवें नंबर वाली तारा और सातवें नंबर वाली जो तारा होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। जब उसके ऊपर से चंद्रमा ट्रांजिट करता है या उस नक्षत्र के ऊपर से चल करके जब चंद्रमा जाता है वहां पे प्रॉब्लम पैदा होती है, तो उसको भी आप चेक कर लेंगे तो आपको प्रिडिक्शन और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा जो राशिफल होता है बिल्कुल ही सामान्य, चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी को मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। और लास्ट में जो बड़े ग्रह होते हैं, जो हमारे नौ के नौ ही ग्रह हैं, इनकी क्या स्थिति है गोचर में, उसको भी थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास करती हूँ। कि अगर मान लिया कि इन्हीं ग्रहों में से किसी ग्रह की आपकी दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको उस टाइप के भी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं साप्ताहिक राशिफल में भी बड़े ग्रहों का जो एक मोटा मोटा प्रभाव आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है वो भी बता देती हूँ। बाकी तो मेरे मंथली जो प्रिडिक्शन है उनको भी आप देखिए, ट्रांजिट के सारे वीडियोस देती हूँ वो भी देखिए। और ये तो साप्ताहिक राशिफल है, एक एक दिन आपका कैसा हो सकता है, कब आपको सावधानी रखनी है, कब आपको बहुत आराम से चीजें होंगी, तो ये साप्ताहिक राशिफल से पता चल जाता है। और चंद्रमा के आधार पर ही ये प्रिडिक्शन है, तो सामान्य तरीके से लीजिएगा। आपके नेटल चार्ट में जब आप पैदा हुए थे उस समय पर जो ग्रहों की स्थिति है आपके जन्म के पत्रिका में, वही आपकी लाइफ को फाइनल शेप देती है और वही आपके जीवन को निर्धारित करती है। गोचर में ग्रह आकर के सिर्फ एक कनेक्शन बनाते हैं आपके नेटल चार्ट से और रिजल्ट को डिलीवर कर देते हैं। तो आपकी अगर दशाएं अच्छी चल रही होती हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, तब ऐसी स्थिति में आपको ठीक ठीक टाइम जाता है, दशाएं अच्छी हैं तो गोचर आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, इस तरह से समझिएगा। लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं और गोचर कितना भी अच्छा जाएगा तो आपको कितना संभालेगा? मतलब कि जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हमें कोई जबरदस्ती तुला के दे नहीं सकता है, आप इस तरह से समझिए। और जो चीज हमारे पास है वो हमसे कोई छीन भी नहीं सकता है। तो यही होता है अपना नेटल चार्ट और गोचर, इस तरह से आप समझिएगा। और राशिफल मैं विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को बराबर देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और नोटिफिकेशन बेल, जो बेल आइकन बना होता है घंटी साइड में बनी होती है, उसको प्रेस कर दिया करिए, दबा दिया करिए। तो उससे क्या होगा कि मेरे जितने भी वीडियो आते हैं जब भी मैं अपलोड करती हूँ, जैसे मोस्टली मैं शाम को 7 बजे ही अपलोड करती हूँ अपनी वीडियो, और फिर आप लोग उसको देख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों की, और कुछ सितंबर के महीने में ग्रहों में परिवर्तन भी हो रहे हैं
सूर्य जो है आपके वो 17 सितंबर को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, गुरु ग्रह 4 सितंबर को रात में, मतलब कि 5 की मॉर्निंग आप मान लीजिए, डेट के हिसाब से 5 रहेगा और ऐसे अपने पंचांग के हिसाब से 4 सितंबर भोर में वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। और यहाँ पर ये 31 दिसंबर तक रहेंगे, मतलब 4 महीने के करीब गुरु वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाले हैं, वो आप देखिए, और उसके प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी शुक्र भी कर्क में ही रहेंगे और जो बड़े प्लेनेट हैं उनकी वही स्थिति है। राहु तो मेष में ही है, केतु तुला में है और शनि वक्री स्थिति में अपनी ही राशि में चल रहे हैं। मंगल पूरे महीने रहेंगे आपके कन्या राशि में और बुध भी वक्री मार्गी होकर के आपके सिंह राशि में ही रहेंगे। चलिए बात करती हूँ मेष वालों के लिए कि क्या हो सकता है आपके लिए। मेष राशि वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा बहुत ही अच्छा है। ये सप्ताह आपकी बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, बड़े आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, सारे आपके यहाँ पर कार्य पूर्ण हो रहे हैं, मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपके सारे कार्य बनेंगे, लोगों के साथ आपका बड़ा अच्छा संबंध यहाँ पर रहेगा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके परिवार के सदस्य, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, हर एक तरीके से बहुत सपोर्टिंग समय ये आपके लिए रहेगा। इसके बाद मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये औसत समय आपका जाएगा। यहाँ पर खान पान, वाणी भाषा का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप अपने अंदर सुस्ती महसूस करेंगे, कार्य आपके अनुसार नहीं चलेंगे, जैसा आप चाहेंगे उस तरह का ये समय नहीं रहेगा। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा पैसों के लेन देन में विशेष रूप से, और खान पान, स्वास्थ्य, वाणी भाषा को संभाल करके चलिएगा, चीजें उतना ज्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेंगी। फिर गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए वापस सपोर्ट करना शुरू करेगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक तरह से शुभता वाले रिजल्ट मिलेंगे, सारे कार्य बनेंगे, यात्राएं आपको लाभ देंगी, नेम फेम, प्रसिद्धि, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी और जो पारिवारिक जीवन होता है हर तरह से सफलता से भरा हुआ समय ये आपका रहेगा। और अगर आप यात्राएं करेंगे वो भी आपको फायदा करेंगे, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कोई भी कम्युनिकेशन का काम है, एक्टिंग का काम है आपका, मीडिया में कहीं पे भी आप अपने आप को आगे बढ़ा करके काम करते हैं, इन सारे क्षेत्रों में आपको बहुत लाभ मिलेंगे यहाँ पर। और हर एक तरह से यहाँ पर आपके काम पूर्ण होंगे, कोई कहीं आपको पेपर में साइन करना है, कोई भी पेपर रिलेटेड वर्क करना है यहाँ पर कर लीजिएगा, कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं आगे चल करके वो काम आपका पूरा हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिएगा। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम करिएगा यहाँ पर, और कहीं पर साइन वाइन करनी है, पीआर वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करना है, ये सब मदद करेगा। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा ये सेंसिटिव होगा, वीकेंड में आपको सावधानी रखनी है, पारिवारिक पक्ष थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा यहाँ पर, कलह क्लेश, वाद विवाद, स्वास्थ्य में दिक्कत, खुद के स्वास्थ्य में सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ, फीवर या मदर के स्वास्थ्य में इसी तरह की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, तो सावधानी से समय को निकाल लीजिएगा। और जो ओवरऑल मिस के लिए स्थितियां हैं, देखिए पढ़ाई लिखाई, संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध के दृष्टि से समय अच्छा है, स्टूडेंट खूब मेहनत करिए आपको फायदा मिलेगा, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, उच्च शिक्षा और व्यापार, बिजनेस सब तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, घरेलू जो सुख सुविधाएं होती हैं घर में, जो लग्जरी वाली चीजें लेकर के आते हैं उसके लिए भी समय अच्छा है, मेहनत अभी आपके बराबर, काफी आपको काम करना पड़ रहा है उसको आप करते रहिए, जो फाइनेंशियल रिटर्न है अभी उसकी चिंता मत करिए, आगे चल करके आपको मिलेगा उसका लाभ जब शनि मार्गी हो जाएंगे। अभी तो आपसे वक्री होकर के पीछे के सारे आपसे काम करवा रहे हैं, रुके अटके कामों को आपसे वो अच्छे से करवा रहे हैं, मेहनत आपकी बढ़ा रहे हैं, ये समय सबसे अच्छा उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग हायर स्टडीज करते हैं, रिसर्च वगैरह से जुड़ करके जिनका काम है। और अगर आपकी शनि की या सूर्य की, बुध की दशाएं वगैरह चल रही होंगी दशांतर प्रत्यंतर, वहां आपको काफी सपोर्ट मिलेगा और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में। अभी आप पहले की तुलना में फिर भी ठीक हो रहा है, लेकिन ज्यादा भी मत उलझिएगा, बचा करके 2 महीने का टाइम और है निकाल लीजिए, और ज्यादा उसमें उलझना नहीं है, थोड़ा सा संभाल करके ही चलिए, क्योंकि अब जाता हुआ राहु और केतु है ना, तो कई बार ये विवाद को वापस से उखाड़ने का काम कर सकता है, हालांकि ऐसी संभावनाएं नहीं रहेंगी क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जब आपने इतना टाइम काट लिया है तो 2 महीने की बात और, सितंबर अक्टूबर की संभाल लीजिए, पत्नी के साथ में पार्टनरशिप में कोई विवाद वगैरह चल रहा है उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, 2 महीना रुकिए, आगे आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगी।
और ओवरऑल स्थितियां अच्छी हैं, गवर्नमेंट से आप लोगों को फायदा हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा समय है, जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में हैं बढ़िया हैं। थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य है तो बच्चों से संबंधित इवेंट दे सकते हैं आपके लिए, लेकिन अभी संतान वगैरह से संबंधित कुछ प्लानिंग चल रही है तो रुक जाइए जब गुरु मार्गी होगा। और विशेष रूप से 2 महीने और रुके, जब ये राहु निकल जाए, लगन से राहु निकल जाए, गुरु अकेले बैठेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे आपको संतान प्राप्ति के, व्यापार के, बिजनेस के, नौकरी के, हायर स्टडीज के, यात्राओं के, ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, तो उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। बहुत अच्छा है आपके लिए। तो बात करते हैं वृषभ के लिए। देखिए वृषभ वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा आपको संभाल करके चलना है। यहाँ पर खर्चे होंगे, अनावश्यक व्यय, यात्राएं, स्वास्थ्य में दिक्कत, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन चीजों का आपको बचाव करना है। यात्राओं से बहुत बचाइएगा, खर्चे नहीं होने पाए, डॉक्टर हॉस्पिटल के ऊपर व्यय के योग बनेंगे, तो प्रयास करिएगा, चैरिटी कर दीजिएगा, दान वान, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ की सेहत का भी ध्यान रखना है, आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये समय बेस सिर पैर की चीजों के ऊपर पैसे खर्चे होंगे, तो प्रयास करिएगा कि आप कहीं बाहर नहीं जाएं, यात्राएं नहीं करें, और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो थोड़ा सा रुक के, देख के, समझ के, अच्छे टाइम पे तब करिएगा। यहाँ जो निवेश करेंगे वो बहुत फायदा नहीं करेगा। इसके बाद मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। सारे रुकेट के काम पूरे होंगे, मान सम्मानित प्राप्ति प्रतिष्ठा मिलेगी आपको यहाँ पर, सारे काम आपके सिद्ध हो रहे हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, परिवार के सदस्य, मित्रगण, सभी के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सारे कार्य यहाँ पर बनते हुए रहेंगे, बड़े प्रफुल्लित रहेंगे। लोगों के साथ में आप यहाँ से समय को अच्छे से एंजॉय करेंगे, मतलब की फैमिली मेंबर्स या जो भी एक पारिवारिक पक्ष होता है, प्रोफेशन वाला एरिया होता है, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वहां पर आपको एक सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा इस समय पे, तो अच्छा समय है, इसका लाभ लीजिए। गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा मिश्रित रहेगा। यहाँ पर आपको चीजें उतनी ज्यादा पक्ष में नहीं मिलेंगी। पैसों का लेन देन सावधानी से करिएगा, भाषा शैली बहुत बचाइएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, वाणी से कुछ भी गलत नहीं बोलिएगा। जो आपका मन है वो थोड़ा सा अस्थिर यहाँ पर हो जाएगा, तो लेन देन, किसी से बात करना, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उसके लिए उतना ज्यादा ये सहयोगी समय नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चीजें थोड़ा सा रुक रही हैं, आपको अपनी हेल्थ में तरह का सुस्ती, थोड़ा सा कमजोरी सी महसूस होगी। हर चीज नॉर्मल होते हुए भी आप असंतुष्ट से रहेंगे इस समय पर, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये वृषभ वालों के लिए सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपके लिए यात्राएं होंगी जो बहुत ज्यादा लाभ करेंगी, सारे रुकेट के कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस, सब में आपको लाभ मिलेगा। सारे आपके कार्य सिद्ध होंगे, आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी क्षेत्र से आपका काम है वहां आपको फायदा हो रहा है। पेपर से संबंधित कोई भी काम करने हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं, फॉर्म भरना है, कहीं साइन करनी है, किसी के साथ में कुछ मीटिंग वीटिंग करनी है, बड़े डिसीजन वगैरह लेने हैं, उसके लिए समय अच्छा है। यात्राओं से आपको बहुत लाभ होगा। कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके वो काम आपका कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, या वो विश आपकी पूरी हो जाए, उसकी शुरुआत आप इस समय पर करेंगे तो आपको बहुत संभावना बनेगी कि वो काम आपका अच्छे से पूरा हो जाए। वीजा पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करना है, कहीं फॉर्म भरना है, आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, देखिए स्थितियां जो आप लोगों के लिए बनी हैं, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी के क्षेत्र में जो ग्रह योग आपके बने हुए हैं अच्छे हैं, एमएससीज वगैरह से फायदा हो रहा है, खर्चे आपके बराबर बने हुए हैं, प्रयास करिए कि फैमिली के ऊपर ही जाएं और सार्थक चीजों में आपके व्यय हों तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये टाइम पीरियड। नौकरी, व्यवसाय, जो लोग स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए लाभ दे सकता है। अगर आपके सूर्य बुध की दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो प्रमोशन मिल जाना, नई जॉब मिल जाना, या कुछ भी आपको मन मुताबिक कार्य मिल जाए, ऐसी संभावनाएं आपको बनेंगी। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको थोड़ा सा बच्चों के से संबंधित जो चीजें होती हैं या रिलेशनशिप वगैरह है वहाँ थोड़ा बना करके चलिएगा। और जो लोग अनमेरिड हैं वो किसी तरह के रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं आप लोगों के लिए दिख रही हैं। फैमिली के ऊपर बराबर पैसे खर्च होने के योग बने हुए हैं। विदेशों से अगर आपका जुड़कर के कार्य व्यवसाय है वहां आपको दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वहां आपको फायदा ही होगा। अनावश्यक व्यय नहीं होने पाए इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये टाइम पीरियड आपके लिए, जो लोग आईटी वगैरह के क्षेत्र से या किसी भी तरह के ग्लैमर के फील्ड से जुड़ करके कार्य करते हैं उनको लाभ देगा, उनके लिए समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। और मेहनत पराक्रम, ये सब चीजें आपकी बढ़ रही हैं,
और इसी के साथ साथ जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, कहीं दूर जाके पढ़ना वढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जर्नी आपको सपोर्ट कर सकती है अगर मंगल की दशाएं अंतर दशा वगैरह होगी। ओवरऑल वृषभ वालों के लिए जो समय चल रहा है, नौकरी व्यवसाय बिजनेस में स्थितियां काफी कुछ ठीक है, लेकिन बड़े परिवर्तन जॉब में चेंजेस ये सब चीजें भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके प्रोफेशन के भाव में सेट एंड वक्री स्थिति में है, तो इनको मार्गी हो जाने दीजिए, तब कुछ भी बड़े बदलाव करिएगा। जॉब चेंज करना है, प्रोफेशन में कुछ चेंजेस करने हैं, व्यवसाय बिजनेस चेंज करना है, अभी रुकिए थोड़ा, क्योंकि जब वो आपके नेटल चार्ट में अगर होंगे शनि वक्री तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मिथुन के लिए। देखिए जितने भी मिथुन राशि लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है मिथुन के लिए, बहुत ही एक्सेलेंट समय है ये। आर्थिक लाभ हो रहा है आप लोग को, नौकरी में, व्यवसाय में, बिजनेस में, गवर्नमेंट से हर एक तरह से फायदा मिलेगा, फाइनेंशियल गेन होगा, बड़े भाई बहन फ्रेंड सर्कल के लोग, आपके बॉस और ये जो जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके ऊपर के जो लोग हैं, मतलब कि आपके बॉस हैं, बॉस के बॉस हैं, वो लोग आपके लिए बड़े सहयोगी हो जाएंगे। पैसे रुपए ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल रही, मान सम्मान यश प्राप्ति, कुछ इच्छाएं आपकी यहाँ पर पूर्ण हो रही हैं, बड़े आप खुश रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, यहाँ पर सहयोगी समय है, इसका फायदा ले लीजिएगा। सपोर्टिंग का मतलब कि जितनी भी चीजें होती हैं लाइफ के एस्पेक्ट की, वो सब चीजें सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं, ये उस तरह का समय रहेगा। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ आपको सावधान हो जाना है, अनावश्यक व्यय खर्चे, स्वास्थ्य में दिक्कत, मतलब की सेहत में कोई प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट में सावधानी का समय रहेगा। जर्नी को पूरा अवॉइड करिएगा, बहुत जरूरी हो तो ही करिएगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपका प्रोफेशन ही सेल्स से है, टूर से है, मार्केटिंग से है, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा, कोई वहां पर ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मत जाइएगा। कोई निवेश करते हैं थोड़ा सा रुकिएगा, पैसे खर्च होंगे डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, इस तरह के योग बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लेकिन संभावनाएं बन सकती हैं। इसके लिए आपके दशाएं अंतर प्रत्यंतर ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन चंद्रमा ये सब चीजें आपको दे सकता है, तो सावधानी रखनी है। प्रयास करिएगा कि कुछ दान धर्म कर दीजिए, चैरिटी के ऊपर पैसे खर्च कर दीजिए, जिससे बहुत सारी चीजें आपकी गलत दिशा में पैसे ना खर्च होने पाए। फिर गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए सपोर्ट देना शुरू करेगा। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, कार्यों का बनना, प्रसन्नचित्त मन, हर एक काम यहाँ पर आपके पक्ष में, आपके मन मुताबिक होंगे। जो भी रुके अटके बिगड़े काम होंगे, वो सभी समय पर पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छे से समय व्यतीत करेंगे, मन आपका बड़ा खुश रहेगा। मन तभी खुश होता है जब सारी चीजें अपने मन मुताबिक चलती हैं, रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली मन अच्छा हो जाता है, तो ये समय आपको फेवर करेगा। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये थोड़ा सा औसत रहेगा। देखिए वीकेंड का टाइम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा शांति से रहिएगा, फैमिली मेंबर से ज्यादा बोलिएगा मत, शांत होके रहिएगा। स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा डाउन लगेगा, डल डल आप फील करेंगे, ऐसा लगेगा आपको जैसे सुस्ती सुस्ती कमजोरी सी महसूस होगी। कई बार हो सकता है कि गुस्से में कुछ बोल दें, तो इन सब चीजों का थोड़ा बचाव करिएगा। और औसत समय रहेगा, पैसों का लेन देन यहाँ पर आपको सावधानी से करना चाहिए, और फैमिली मेंबर्स के साथ में बहुत पोलाइटली आपको बात करने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपके लिए व्यापार, बिजनेस, आईटी सेक्टर, किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क है, वहां पर काफी स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। और ये समय आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल गेन भी दे रहा है मिथुन वालों के लिए। जो लोग आईटी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, या कुछ भी जिसमें टूर ट्रेवल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन सब क्षेत्रों से आपको फायदा मिल जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हैं, वहां से आपको काफी फायदा होगा, कार्य आपके यहाँ पर कुछ बनते हुए से दिखाई पड़ेंगे। और ऑनलाइन काम आपका कुछ भी है, उसमें भी ग्रह स्थिति आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं से आपको पैसे प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़ करके काम है, वहां आपको फायदा हो जाएगा। और जो भी आपका नौकरी वाला पक्ष होता है, जो एनिमीज, रोग, शत्रु वाला साइड होता है, वहां पर भी स्थिति आपको काफी कुछ सपोर्ट करेंगी, तो अच्छा है, उसका आप लोग फायदा ले लीजिए। और इसी के साथ साथ ये टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैसे प्राप्त भी करवाएगा और कुछ पैसे खर्च भी करवाएगा। जो पैसे आपके खर्च होंगे वो शुभ कार्यों के ऊपर होंगे, फैमिली रिलेटेड मैटर्स के ऊपर खर्च होंगे, खान पान, गैदरिंग, ये सब आपको यहाँ पर अच्छी मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अतिरिक्त ये समय आप लोगों से थोड़ा सा मेहनत करवा रहा है, यात्राएं वगैरह दे रहा है, ओवरऑल आपके लिए फाइनेंशियल गेन की स्थितियां बनी हुई है। अगर आपकी गुरु की दशाएं वगैरह चल रही होंगी, राहु की चल रही होंगी, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। इसके बाद फिर बात करेंगे कर्क वालों के लिए।
कर्क वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में आपके लिए बहुत सपोर्टिंग स्थितियां रहेंगी। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, अधिकारियों का लाभ, व्यापार में आपको प्रोग्रेस होते हुए दिखाई पड़ेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में है यहाँ पर आप थोड़ा अपने बॉस से मिलिए, बात करिए इंक्रीमेंट के लिए, या जो भी जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें आप चाहते हैं, पाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे भी जो भी प्रोसीजर होता है काम करने का, तो आपके अधिकारी वगैरह आपके लिए काफी यहाँ पर सहयोगी बन जाएंगे। फायदा मिलेगा आपको यहाँ पर, कुछ इच्छा पूर्ति आपकी होगी काम से जुड़ करके। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा आर्थिक दृष्टि से बड़ा अच्छा है। कुछ आपके यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल गेन, पहले का कुछ मेच्योर पैसा, FD, अधिकारियों से लाभ, बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल के लोग सभी आपके लिए बड़े सहयोगी रहेंगे। कुछ आपका यहाँ पर विश कंप्लीट हो रही है, ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको हर एक तरह से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, गवर्नमेंट का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, जो भी आप काम धंधे कर रहे हैं, हर एक तरीके से स्थिति आपके लिए बहुत सपोर्टिंग मिलेंगी रहेंगी और लाभ मिलेगा। मतलब ये शुरुआत जो आपकी हो रही है हर तरह से आपके कामों में सपोर्ट करेगी। फिर गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कर्क वालों को यहाँ आपको सावधानी रखनी है। ये समय रहेगा जब आपके अनावश्यक पैसे खर्च होना शुरू होंगे, डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जर्नी से बचा करके रखिए, वह नहीं होने पाए, इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा रुकिएगा, समझिएगा, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर यहाँ कुछ निवेश करते हैं तो आगे चल करके उसमें उतनी प्रॉफिट आपको नहीं होने पाए, या वो प्रोजेक्ट उतना आपको लाभ नहीं दे, ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए समय को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर आप बल्कि थोड़ी चैटी कर दीजिएगा, दान धर्म कर दीजिएगा, जिससे आपके जो पैसे खर्च होने के योग भी बन रहे हैं वो सार्थक चीजों में लग जाए, किसी की हेल्प हो जाएगी और आपके मन को इंस्टेंट खुशी भी मिल जाएगी। दान का, पूजा पाठ, धर्म का यही तो फायदा होता है। और वही पैसे अगर आपके डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर और दवाइयों के ऊपर जाते हैं, तब तो बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं, हेल्थ को भी प्रॉब्लम होती है। तो इस समय का ऐसे उपयोग करिएगा। अगर आपका जॉब सेल्स मार्केटिंग का है तब तो आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप बचाइएगा। ये यात्राएं आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगी, पूरा घूमने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई आपको रिजल्ट ही नहीं मिला। तो फिर आप इस समय पे मत करिए जर्नी। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा कर्क वालों के, ये बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपके सारे रुके अटके जितने भी काम होंगे वो पूर्ण हो जाएंगे, काफी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यहाँ पर मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार के साथ में, जॉब से संबंधित, फैमिली, फ्रेंड, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं हर तरफ से आपको बड़ा एक प्लीजेंट सा माहौल मिलेगा। सारी चीजें जब मन के हिसाब से होंगी तो आप खुश रहेंगे। यहाँ पर पार्टनर के साथ में भी, लाइफ पार्टनर के साथ में भी, बच्चों के साथ में भी, फ्रेंड्स के साथ में भी, फैमिली मेंबर्स के साथ में भी, इस समय आपको बहुत प्रफुल्लित रखेगा। सारे यहाँ पर आपके काम पूर्ण होंगे। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, देखिए सबसे पहले तो भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जरा भी आपको, आपके साथ में जरा भी चोट चपेट ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च से, उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां आपके लिए स्थिति आपको सपोर्ट भी करेंगी। और इसी के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं से देखिए पैसों की प्राप्तियां तो होती रहेंगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, इन सारे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ पैसे आपके लगेंगे, मतलब कि शुभ कार्यों के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, आपकी गुरु की, राहु की दशाएं वगैरह चल रही हैं तो ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक स्थिति नहीं देख रही है। बड़े बदलाव मत करिएगा, बहुत जरूरी हो तो ही करिए, अदरवाइज तो नहीं करना चाहिए अभी आपको। और ये समय रहेगा कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ पैसों का लाभ हो जाएगा, विशेष रूप से 17 सितंबर के पहले पहले तक बहुत ज्यादा चांसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसका फायदा ले लीजिएगा। कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल जाए, या कुछ भी आपने पहले से निवेश करके रखा हो उससे पैसे मिले। इसी के साथ साथ थोड़े थोड़े पैसे आपके खर्चे भी होते रहेंगे, खर्चे भी होंगे और पैसे आपको मिलते भी रहेंगे, इस तरह के योग आपके लिए बने हुए हैं। थोड़ा सा अपने आपको, ये समय जो रहेगा कुछ लोगों के लिए, देखिए जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अगर मंगल की दशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी तो आपको काम में भी, नौकरी में भी, बिजनेस में भी, हर एक तरह से ये सपोर्ट करेगा। मंगल आपका काफी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है ट्रांजिट में, वो आपको सपोर्ट कर देगा और पैसे आपको मिलेंगे। कर्क वालों के लिए जो स्थितियां हैं, पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। शनि आपके भी लगन सिस्टम में चल रहे हैं, अष्टम ढैया इसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बड़ा काम करते हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं, तो वहां पे भी थोड़ा सा समझ करके ही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज करनी ही नहीं है, लेकिन अच्छे से अपनी पत्रिका वगैरह दिखा के, समझ करके, बाकी दूसरे प्लैनेट सपोर्ट करते रहे, आपका न्यूट्रल चार्ट आपको
मतलब परमिशन दे तब आप करिए, क्योंकि ये तो ट्रांजिट के प्लेनेट है ना जो इस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं। आपके लिए क्या ग्रहों की स्थितियां हैं वो सभी चेक कर लीजिए। अगर आपकी दशाएं वगैरह अच्छी चल रही होंगी तो वैसी स्थितियां में तो वहां से रिजल्ट आएंगे और आप शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन गोचर में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए और अपने मन को थोड़ा सा धर्म, आध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आठवें भाव की जितनी भी चीजें होती हैं उससे आप जोड़ करके रखिएगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, डाटा एनालिटिक का काम करते हैं, कोई आपकी कंपनी है, प्रोडक्शन वाली कंपनी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो शनि अष्टम है उसका उपयोग करिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए सिंह वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये समय आपका ठीक ठीक रहेगा। यात्राएं होंगी लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना है, उनसे कोई वैचारिक मतभेद, वाद विवाद या उनके साथ स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। समय आपको उतना संतोषजनक नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, जर्नी ये सब करेंगे तो ठीक है, बाकी किसी अचीवमेंट पर्पज से बहुत ज्यादा अच्छा ये समय नहीं रहेगा। फादर के साथ मतभेद हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ सकती है। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए सपोर्ट देना चालू करेगा। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, हर तरफ से आपको लाभ मिल रहा है। जॉब मिलना, प्रमोशन, अधिकारियों का लाभ, व्यापार में कुछ अच्छे इवेंट होना, व्यापार का विस्तार होना, मान सम्मान ये सब चीजें मिलना, मतलब प्रोफेशन और जितनी भी जीवन से जुड़ी हुई प्रोग्रेस वाली चीजें होती हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, उसका फायदा ले सकते हैं। इसके बाद गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। कुछ इच्छा पूर्ति होना, सरकार से फायदा होना, अधिकारी, मित्र, भाई बहन सभी लोग आपके लिए बहुत सहयोगी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मान सम्मान, यश भी मिल सकता है, बच्चों से फायदा हो सकता है, सरकार से फायदा हो सकता है, कुछ भी आपने पैसे वगैरह निवेश किए हो वो सब आपको यहाँ पर मेच्योर होके मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, बोनस मिल जाए, कुछ भी फाइनेंशियल आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। कोई भी आपको लाइफ से संबंधित कुछ अच्छे इवेंट देखने को मिल सकते हैं, मतलब बड़ा शुभ समय रहेगा। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा सिंह वालों को, यहाँ पर आपको केयरफुल हो जाना है। वीकेंड रहेगा, यात्राएं बिल्कुल मत करिएगा, निरर्थक यात्राएं होंगी, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, माता की सेहत में दिक्कत आ सकती है और डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन पे खर्चे हो सकते हैं। तो प्रयास करिएगा कोई निवेश न करें, जर्नीज न करें, बहुत जरूरी हो तो ही करें, अदरवाइज नहीं करें। और पैसे जो है चैरिटी के ऊपर लगा दीजिएगा, दान धर्म, पुण्य कार्यों के ऊपर पैसे व्यय कर देंगे तो आपका ये जो ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स वाली चीजें हैं वो कट जाएंगी, क्योंकि खर्चा तो होना है, योग तो बनेगा ही बनेगा, तो आप उसको उसकी दिशा चेंज कर दीजिए। और ये समय थोड़ा सावधानी का रहेगा, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर पैसे प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके सप्तम भाव में वक्री शनि बैठे हुए हैं जो कि आपके मार्केश होते हैं, मजबूत स्थिति में है। क्या कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीजों में सपोर्ट करेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। लग्न में आपके बुध और सूर्य रहेंगे तो अच्छी स्थिति है, बुधादित्य योग बनाएंगे, मान सम्मान, यश प्राप्ति, ये सब चीजें आपको मिलेंगी और पैसे भी आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, किसी तरह का रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट आपको हो सकता है। हायर स्टडीज, पढ़ाई लिखाई के लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो लोग IT ट्यूटर्स, मास मीडिया से जुड़ करके कार्य करते हैं, गुरु राहु की अगर आपकी दशाएं होंगे। इस समय पर दो चीज का ध्यान रखिए, एक तो कड़वा मत बोलिएगा, वाणी आपकी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। सेकेंड हाउस में आपके मंगल आ गए हैं ट्रांजिट में, पूरे महीने रहेंगे, पैसे वो आपको दिलवाएंगे, आर्थिक रूप से आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मंगल तेज ग्रह होता है, खान पान का ध्यान रखिएगा, कोई भी तामसिक भोजन मत करिएगा, गरम खाना, मिर्च मसाला ये सब नहीं खाइएगा, नहीं तो फिर स्वास्थ्य में भी दिक्कत कर देंगे। एंसेस्टर प्रॉपर्टी से लाभ करा सकते हैं, रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए वहां आपको फायदा हो जाएगा। कुछ भी आपको पैसा यहाँ पर मिल सकता है, उसका फॉर्म कुछ भी हो, चाहे आपका खुद का अर्जित हो, एंसेस्टर के द्वारा हो, FD का हो, इंश्योरेंस का हो, कहीं से भी हो, कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं। स्टडीज में आपका मन लग सकता है। आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छी चीज है सिंह वालों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा करके फोकस दीजिए आप पढ़ने के ऊपर, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। मंगल भी अपने घर को देख रहे हैं पंचम को, गुरु के भी आस्पेक्ट है, राहु काफी कुछ वीक हो चुके हैं, तो आप एनर्जी लगा दीजिए पढ़ने के ऊपर। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या के लिए। देखिए जितने भी कन्या राशि लग्न वाले लोग हैं
सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा करने वालों के लिए बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल शांति से रहिएगा, यहाँ पर कोई भी बड़े काम नहीं करने हैं, कोई मीटिंग पेपर रिलेटेड वर्क कहीं साइन करना नहीं करिएगा। बिल्कुल अपने आप को एक तरफ रखिएगा, फैमिली मेंबर से ज्यादा बात नहीं करना है। मेंटली इमोशनली बिल्कुल आप डाउन रहेंगे, नेगेटिव फील करेंगे, मन बड़ा आपका दुखी दुखी सा उदास सा रहेगा, बार बार नेगेटिविटी आएगी, आपको रोना रोना आता रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही। एक तरह की डिप्रेशन जैसे स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे, तो समय को निकल जाने दीजिएगा। यहाँ पर कोई भी बड़े काम की शुरुआत मत करिएगा, अदरवाइज वो काम या तो रुक जाएगा या उसमें आपको कोई फायदा नहीं हो, ऐसी स्थितियां बनेंगी। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये भी आपका ठीक ठीक जाएगा। यहाँ पर यात्राएं हो सकती हैं, पढ़ाई लिखाई से जोड़ करके, या धार्मिक यात्राएं, कहीं आप मंदिर जाएं, घूमने जाएं, ये सब चीजें करेंगे, लेकिन अचीवमेंट पर्पज से बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा। मन थोड़ा सा शांत यहाँ पर रहेगा। फादर के साथ में कोई वैचारिक मतभेद हो जाए या उनसे कोई विवाद हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी सेहत में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ भी आपको केयरफुल होके ही रहना चाहिए। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के पूरा संडे, हालांकि ये वीकेंड है, नहीं सॉरी वीकेंड ही है, गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कन्या के लिए, ये सपोर्ट देना आपको शुरू करेगा। यहाँ पर आपके नौकरी व्यवसाय बिजनेस सब में आपको लाभ होना शुरू होगा। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सब कुछ मिल सकता है। अब प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सभी करने वालों को होगा, जिनकी दशाएं वगैरह चल रही होंगी उनको हो सकता है, नई जॉब, जॉब में कुछ अच्छा हो जाना, वर्क प्लेस पे कुछ आपको क्रेडिट मिल जाए। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, यहाँ पर बॉस आपके लिए बड़े सपोर्टिव हो सकते हैं, तो आपको कुछ उनसे फायदा लेना है, आप उनसे मिलिए, बात करिए। नौकरी व्यवसाय बिजनेस सभी कुछ आपको सपोर्ट करेगा, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा सब मिलेगी, बहुत अच्छा ही रहेगा। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपके लिए कुछ फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आर्थिक लाभ होगा, गवर्नमेंट से फायदा, बड़े अधिकारियों से फायदा, भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, सभी लोग आपके लिए बहुत सहयोगी हो जाएंगे यहाँ पर, तो उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। ये टाइम पीरियड रहेगा जो आपके कुछ विशेष कंप्लीट होंगे। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए देखिए, खर्चे तो आपके बराबर हो रहे हैं, यात्राओं के योग बने हुए हैं, फैमिली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन निर्माण होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसे जाने के भी योग बने हुए हैं। अब आप क्योंकि गुरु आपके अष्टम में चल रहे हैं, तो जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, उसके लिए ठीक है, उसको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो आप स्वयं हैं, थोड़ा सा जो ससुराल पक्ष होता है, वहां से भी आप बना करके चलिए। खर्चे जो हो रहे हैं उसके ऊपर पूरी दृष्टि बना करके रखिए कि गलत नहीं खर्च होने पाए। पैसे आपको मिल सकते हैं अगर आपके गुरु की दशाएं चल रही होंगी, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही होंगी, तो कुछ भी आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कुछ भी, कहीं से कुछ पैसा मिल सकता है अगर गुरु की दशाएं होंगी तब। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा करके पढ़िए, वहां आपको बहुत ज्यादा सफल होने के चांसेस हैं। छठे भाव में आपके शनि वक्री चल रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है, पूरी एनर्जी लगा दीजिए आप लोग कंपटीशन पे, कॉम्पिटेटिव चीजें जितनी भी होती हैं, आपको बहुत संभावना है कि आपको सफलता मिल जाए। यात्राएं आपको होंगी, आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल से जुड़े हुए लोगों के लिए भी स्थितियां काफी कुछ अनुकूल हैं। ये समय है जब आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर आपके अगर बाहर से जो करके कार है, जैसे कि एमएनसीज वगैरह में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ काम है, या इंडिया में रह के ही बाहर से जुड़ी हुई जो कंपनीज होती हैं उससे जुड़ा हुआ कुछ काम है, वहां आपको फायदा हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कुछ जर्नीज भी दे सकता है, कुछ आप बाहर घूमने चले जाएं, या अपने जॉब की वजह से कुछ आपको यहाँ पर टूर होती हुई मिल रही है, तो उसका आप लोग फायदा लीजिए। और स्टूडेंट लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ कुछ ना कुछ आपको अपने फादर से फायदा हो रहा है, सरकार से, गवर्नमेंट से, पिता से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, और साथ ही साथ कुछ पैसे भी आपको मिल रहे हैं अगर आपके शुक्र की दशाएं चल रही होंगी तब। ओवरऑल देखिए कन्या वालों के लिए जो गोचर है धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, तो जो कुछ प्रॉब्लम अभी आप लोगों की चल रही थी उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब गुरु थोड़ा सा फ्री होंगे आपके अष्टम भाव में, तो वो कुछ अच्छा करने का काम करेंगे फैमिली फ्रंट पे, जो आपका पारिवारिक पक्ष होता है, परिवार में कुछ शुभता वाली चीजें लेकर के आएंगे। और बाकी विदेशों से अगर आपको यहाँ पर हर तरफ से जो चीजें निकल करके आ रही हैं, फॉरेन रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट आपकी लाइफ में होते रहेंगे। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कार्य व्यवसाय, बिजनेस, यात्राएं, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, सभी से लाभ मिल रहा है। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा आपको मिल रही है, सारे कार्य आपके पूर्ण है, जो भी जर्नी करेंगे वो आपको फायदा करेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे। जो लोग खुदरा व्यवसायी है उनके लिए बड़ा अच्छा है।
पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, आप उसको मैरिज की ओर ले जाने का आपका मन करेगा, किसी को आप प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तनाव है, कलह लड़ाई है, आप यहाँ पर बैठकर बात करिए, वो आपको सॉल्व हो जाएगी, सुलझ जाएगी। किसी को आप अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड में लाइए, वो आपके लिए काफी सहयोगी और बड़ा लकी साबित हो सकता है। हर एक तरीके से समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, यात्राएं, मान सम्मान, यश, सब सब कुछ आपको मिलेगा। सारे कार्य आपके यहाँ पर सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइएगा, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, कोई बड़े काम नहीं करने हैं, निर्णय नहीं लेने हैं, मीटिंग नहीं करनी है, पेपर पे साइन नहीं करना है, महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है, किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। सिर्फ अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा और किसी से बहुत ज्यादा बात भी मत करिएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप एकदम लो रहेंगे, बिल्कुल लो फील करते रहेंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे, मन बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होगा, तो पूजा पाठ, मंत्र जाप, ईश्वर आराधना, ऐसी चीजों में अपना समय व्यतीत करिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो निर्णय आपके गलत हो जाएंगे या लोगों से विवाद हो जाएगा। जब मन सही नहीं रहता है उस समय बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए, और उस समय का उपयोग जो है पूजा पाठ, ईश्वर आराध्या, ऐसी चीजों पर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर एकदम शांत होकर एक साइड में हो जाना चाहिए ताकि नई समस्याएं ना पैदा हों। मन सही नहीं रहेगा फिर बोलेंगे, बोलेंगे तो फिर वाद विवाद झगड़े होंगे। गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए एक मिला जुला रिजल्ट लेकर के आएगा। यहाँ पर यात्राएं हो सकती हैं, चाहे एजुकेशन से जुड़ करके, या फिर कहीं आप घूमने चले जाएं आसपास पड़ोस में, या मंदिर चले जाएं, थोड़ा सा घूमने के योग आपके यहाँ पर बनेंगे। लेकिन फादर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, या उनसे कोई आपकी कहा सुनी हो जाए, वाद विवाद हो जाए, आप कुछ बोले हैं वो नहीं समझे, मतलब कि पिता से मतभेद के योग यहाँ पर बनेंगे। और समय औसत रहेगा, बहुत ज्यादा ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपके लिए सहयोग देना शुरू करेगा। जो वीकेंड है ये आपके नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही लाभ देगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं वहां आपको फायदा मिल जाएगा, अधिकारी आपके लिए काफी सहयोगी रहेंगे। देखिए वीकेंड है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वीकेंड में भी कुछ काम चल रहे होते हैं, पॉलिसीज चल रही होती हैं या बन रही होती हैं, या फिर ऑफिस रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, जो आपके बॉसेज हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, भले ही वो छुट्टी का दिन है, लेकिन जो अधिकारी है उसके दिमाग में तो सारी चीजें चल ही रही होती हैं अपने एम्प्लॉयज को लेकर के या अपने वर्क प्लेस को लेकर के। तो ये समय आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में आपको लाभ मिल रहा, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिल रही है। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, ये समय आप लोगों के लिए देखिए धीरे धीरे करके आर्थिक लाभ आपको देना शुरू करेगा। रुके अटके पैसे आपके मिलना चालू होंगे, स्पेशली अगर कुछ भी आपका ऑनलाइन काम है वहां आपको फायदा मिल जाएगा। आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत ज्यादा जो दिक्कतें चल रही थी, कंफ्यूजन की स्थिति थी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से जो एक तनाव था, उन सब में धीरे धीरे करके आपको राहत मिलना शुरू होगी, तो उसका आप लोग फायदा लीजिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा फोकस लगा करके, मन लगा के आप लोग पढ़िए, आपको वहां फायदा हो जाएगा, सरकार से फायदा के योग बनेंगे, आर्थिक लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। विशेष रूप से 17 सितंबर तक कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं। 17 सितंबर के बाद थोड़े से पैसे खर्च होने के भी योग बनेंगे, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट का फॉर्म दे दीजिएगा, या फिर अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने में वो पैसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा। 17 सितंबर के बाद थोड़े से वैके योग बनेंगे। बाकी आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, जो पैसे खर्च भी होंगे, या तो अपने अधिकारियों पे, बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, इन लोगों के ऊपर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, या किसी तरह की चैरिटी में आप कुछ पैसे लगा दें। प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा है, घर के अंदर सुख सुविधाओं की आपकी बढ़ोतरी हो रही है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, काफी मेच्योरिटी के साथ में, काफी डिसेंसी के साथ में आप लोग रहिए, क्योंकि शनि आपके वक्री होकर के 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो आपको रिश्तों की ओर लेकर के जाएंगे, और उस रिश्ते को अगर आप अच्छे से टैकल करते हैं तो वो आपका कन्वर्ट भी हो जाएगा मैरिज के फॉर्म में, तो ये एक अच्छी चीज है। स्टूडेंट है, पढ़ाई मन लगा करके करिए, और ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं से आपको कुछ फायदे करवा रहा है, फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारियों से और अपने बच्चों से तालमेल बना करके चलिएगा। शनि और सूर्य का सम सप्तक योग बना हुआ है बराबर आप लोगों के लिए, तो ये थोड़े से गेन वगैरह तो कराता रहता है, लेकिन रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव खटास देता है, तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोगों को फायदा रहेगा। इसी के साथ साथ ये टाइम पीरियड है जब आपके लिए कुछ पैसे भी खर्च हो रहे हैं, ऑनलाइन कार्यों से आपको फायदा भी हो सकता है। अगर आपका व्यापार, बिजनेस, मंगल की प्लेसमेंट आपके 12वें भाव में चल रही है, मंगल की दशाएं वगैरह होंगी, तो आपको फायदा कराएगा मंगल, लेकिन साथ में कुछ खर्चे भी कराएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव में चला है, चला गया हुआ है ट्रांजिट में, मारक ग्रह होता है आपका, 3rd हाउस को देख रहा है, 6ठे को और 7वें को, तो व्यापार बिजनेस में तो सपोर्ट करेगा, लेकिन रोग ऋण शत्रु जैसी चीजें को भी वो, उसके ऊपर उसकी दृष्टि है,
और 12वें भाव में बैठा है तो खर्चा तो उसको कराना ही है, तो कोई भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलाइजेशन ऐसी चीजों से बचा करके रखिएगा। अगर आप बचा लेते हैं, बल्कि आप पैसों को चैरिटी पे करिए, दान पे, धर्म पे खर्चा करिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि शनि मंगल भी षडाष्टक स्थिति में बने हुए हैं और मंगल को कुछ ना कुछ व्यय करवाना है। अगर आपका काम ही बाहर से जुड़ करके है, आपका नौकरी व्यवसाय बिजनेस फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ है, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वहां तो फिर भी स्थितियां फिर भी ठीक रहेंगे। अदरवाइज मंगल कुछ विवाद भी दे सकता है, तो आपको संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि मंगल को आपका पैसा खर्च कराना है, ऐसे समझिएगा आप। ओवरऑल आपके लिए लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से संबंधित जो चीजें हैं ठीक जाएंगी। थोड़ा सा 2 महीने का टाइम और है, भी बचा के ही चलिए तो अच्छा रहेगा। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक की। देखिए जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोग सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है। रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी सब में आपको सक्सेस मिलेगी। कंपटीशन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत ही सहयोगी है। कोई भी आपके एनिमीज हैं, शत्रु पक्ष है, सब परास्त तो होंगे। यहाँ पर आप किसी तरह का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई केस वगैरह दायर करना है, कई लोगों के विवाद मुकदमे वगैरह चलते रहते हैं, इस टाइम पीरियड में आप लॉयर से मिलिए, दायर करिए, वहां पे सफल होने के चांसेस बने। कोई फॉर्म फिलअप करना है उसको करिए, डॉक्टर से मिलना है, मेडिसिन लेनी है, ये सब चीजों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, यात्राएं फायदा करेंगी, हर एक तरीके से समय आपको विजय दिलवाएगा, सक्सेस दिलवाएगा। शुरुआत आपकी बहुत एक्सीलेंट हो रही है, फायदा लीजिए। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, नौकरी व्यवसाय बिजनेस लाइफ पार्टनर से बहुत फायदा हो रहा है। आर्थिक लाभ, यात्राओं से लाभ, खुदरा व्यवसायियों को बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे। जो लोग डेली खरीदना, जिनके पास रोज ग्राहक आते हैं दुकान पे, जो इस तरह के शॉप्स होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। मतलब आपकी जो डेली की इनकम है, डेली आमदनी, आवक आपकी पैसों की बढ़ेगी यहाँ पर, अच्छा है। पार्टनर के साथ में कोई वाद विवाद है सुलझाइए, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जिनका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो और अच्छा हो जाएगा, जिनका थोड़ा बहुत खराब है, यहाँ मिल करके बैठिए बात करिए, सुलझ जाएगी बातें। किसी को आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में लेके आना चाहते हैं, इस समय पर लाइए, वो आपके लिए सहयोगी बनेगा। और किसी तरह का वाद विवाद है उसको आप यहाँ पर सुलझा सकते हैं, किसी को आप यहाँ पर प्रपोज कर सकते हैं। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिज की बात करना चाह रहे हैं, इस समय पर करिए, वो चीज आपकी बन जाएगी। ये समय मतलब शुरुआत आपकी बहुत ही एक्सीलेंट हो रही है, सप्ताह के आधा समय तो आपका काफी अच्छा निकल जाएगा। फिर गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, ये काफी सेंसिटिव होगा। अब यहाँ पर आप एकदम शांत होकर के बैठ जाइएगा, कोई भी बड़े काम नहीं करना है, कोई मीटिंग नहीं करनी है, साइन नहीं करना है, पेपर रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं करने हैं, कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। मेंटली इमोशनली बहुत लो रहेंगे, डल फील करेंगे, नेगेटिव थॉट मन में आएंगे, डिप्रेशन जैसी स्थितियां रहेंगी, मन एकदम दुखी दुखी उदास अशांत रहेगा। तो इस समय को पढ़ने लिखने में, पूजा पाठ में, मंत्र जाप में, धर्म कर्म में, चैरिटी में, अच्छे कामों में लगा दीजिएगा, जिससे आपके मन को ताकत मिले, ऊर्जा मिले। 8वें भाव से संबंधित जो चीजें होती हैं वहां अपने मन को लगाएंगे तो आपको शांति मिलेगी। अदरवाइज आप परेशान रहेंगे तो किसी ज्यादा बात नहीं करिएगा, बड़े निर्णय यहाँ कदापि मत करिएगा, अदरवाइज आपको आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, ये समय भी आपके लिए मिला जुला औसत ही रहेगा। यहाँ पर जर्नीज हो सकती हैं, पहले की तुलना में थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन तब भी मन आपका यहाँ पर थोड़ा शांत रहेगा। पिता से कोई कहा सुनी वाद विवाद हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए, या फिर आप कहीं घूमने चले जाए आस पास, कहीं यात्राओं पे, धार्मिक यात्रा, मंदिर, टेम्पल, और घूमे कहीं आप, पढ़ने लिखने के लिए अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा इस टाइम पीरियड में, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़िए, आप जॉब में हैं तो अपने जॉब से रिलेटेड चीजों की स्टडी करिए, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई एज नहीं है, पढ़ने के लिए कोई मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पेपर पढ़िए, आप मैगजीन पढ़िए, आप कोई भी अच्छी चीजों से जुड़ करके रहिए, तो आपकी वो जो एनर्जीज हैं वो यूटिलाइज होती हैं, यूज होती रहती हैं, तो आपको उसके नेगेटिव साइड जो है उससे आप बच जाते हैं। तो ये समय पढ़ने लिखने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और डिसीजंस की दृष्टि से थोड़ा कम अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा सुस्ती महसूस होगी, असंतुष्टि का भाव आपके भीतर रहेगा इस समय पे, वीकेंड का जो टाइम है। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों का है, देखिए कहीं ना कहीं से पैसों का तो आपको लाभ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये समय आप लोगों के लिए गवर्नमेंट से जुड़ करके बहुत लाभ दिलवा सकता है। जिनके सूर्य बुध की दशाएं चल रही होंगी, अंतर प्रत्यंतर वगैरह जल रही होगी, नई जॉब, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, पॉलिटिक्स में लाभ, अधिकारियों का लाभ, कुछ भी आपको मिल सकता है। प्रोफेशनल रिलेटेड चीजों के लिए बड़ा एक्सीलेंट है, नौकरी व्यवसाय बिजनेस दूर से आपको फायदा हो जाए, पैसे आपके रुक रुक के ही सही, लेकिन पैसे आपको मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए स्थितियां ठीक है, थोड़ा सा घरेलू पक्ष का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो इंटरनल पूरा माहौल होता है घर का, मदर की सेहत से संबंधित चीजों को लेकर सावधानी रखिएगा। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि
वक्री शनि आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा है तो आप थोड़ा सा सुस्ती महसूस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सारी चीजें सही चल रही होती हैं, इसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होती रहती है, जैसे कि थकान होना या जैसे नर्व से संबंधित जो भी आपके नर्वस सिस्टम है, कभी आपके घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं पेन कर रहा है बॉडी पार्ट में, इस तरह का थोड़ा थोड़ा छिटपुट बना रहेगा। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, ऐसी स्थितियां आपके लिए बराबर बनी हुई है। सरकार से आपको फायदा हो रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा जो है ये टाइम पीरियड आपके लिए, आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। पिता के ऊपर कुछ खर्चे हो सकते हैं तो थोड़ा सा पिता की सेहत का भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपको पैसे कहीं से मिलेंगे, फाइनेंशियल फायदा आपको हो जाएगा। वाणी का ध्यान रखिएगा, किसी को आप कड़वी भाषा मत बोलिएगा, और खान पान का कोई भी तामसिक भोजन नहीं खाना है, मिर्च मसाला, गरम अल्कोहल, वाइन, ये सब जो चीजें होती हैं, क्योंकि मंगल का आस्पेक्ट है आपके थर्ड फोर्थ हाउस पे, तो कई बार क्या करते हैं कि खाने का नेचर जो है वो चेंज कर देते हैं। बाकी शत्रु वगैरह को तो आप परास्त कर लेंगे अच्छे से। वृश्चिक लिए ओवरऑल स्थितियां ठीक है, थोड़ा माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए जितने भी धनु राशि लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है धनु के लिए, ठीक ठीक जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चों के साथ बनाना है, जिनके बच्चे बड़े हैं उनसे बहुत बहुत दिमाग से बात करिएगा, नहीं वो आपसे उलझेंगे, विवाद करेंगे। जिनके बच्चे छोटे हैं उनका ध्यान रखिए, जो लोग रिलेशनशिप में है उसका ध्यान रखिए, पार्टनर से मतभेद हो सकता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपका मन पढ़ने लिखने से उचट सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मना स्थिति आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, मन आपका बार बार फ्लक्चुएट होगा, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अगर आप क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कुछ भी आपका क्रिएशन का काम है उसमें आप मन लगाइए, उसमें अपने उसमें समय दीजिए, तो आपको फायदा भी हो जाएगा। बाकी रिश्तों की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है धनु के लिए, बहुत अच्छा है। हर तरह से आपके लिए सफलताएं लेकर के आ रहा है। रोग, शत्रु, एनिमी सब आपके परास्त होंगे। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है वहां लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ, सारे रुके अटके बिगड़े कार्य आपके पूर्ण होंगे। शत्रुघ्न का यहाँ पर योग रहेगा, यात्राएं भी आपके फायदा करेंगी। किसी भी तरह की एनिमीज, कोर्ट केस, कचहरी है वो सबसे आप मुक्त होंगे। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन का फॉर्म आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। कोई केस वगैरह दायर करना है यहाँ आप करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर को दिखाना है दिखाइए, फायदा कर जाएगा। अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, मेडिसिन फायदा कर देगी। कोई फॉर्म फिलअप करना है, किसी भी तरह का वो काम जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिए। हर एक तरह से समय आपको लाभ दे रहा है। इसके जस्ट बाद गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए वापस सपोर्ट कर रहा है। व्यापार, बिजनेस, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से लाभ मिल रहा है। यात्राएं आपको यहाँ पर लाभ दे रही हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर से मिलिए, बैठिए, बात करिए, वो आपके लिए सुलझ जाएगा। किसी को आप अपने पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं बिजनेस में, यहाँ पर इन्वॉल्व करिए, वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। यहाँ पर आपको हर तरह से मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, पैसों का लाभ, कार्यों का बनना, रुके अटके कार्य पूर्ण होना, कहीं ना कहीं से कुछ पैसों की मदद मिल जाना, जो डेली की आवक होती है ना इनकम, वो यहाँ पर बहुत बढ़ी रहेगी। हर तरीके से आप प्रसन्नचित रहेंगे, तो बहुत अच्छा समय है, इसका फायदा ले लीजिए। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। यहाँ आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, कोई बड़े काम, महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने हैं, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क बिल्कुल नहीं करना है, नए काम की शुरुआत कदापि नहीं करिएगा। मेंटली, इमोशनली बिल्कुल आप लो रहेंगे, डाउन रहेंगे, डिप्रेशन जैसा फील होगा, नेगेटिव थॉट मन में आएंगे, तो शांति से रहिएगा। पूजा पाठ मंत्र जाप करिएगा, किसी से अधिक बात मत करिएगा, केवल अपने समय को शांति से निकाल लीजिएगा। ये समय थोड़ा सा नर्वसनेस का रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, देखिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडी, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, खूब मन लगा करके आप लोग पढ़िए, आपको फायदा हो जाएगा। भाग्य पिता का साथ मिलेगा, कार्य व्यवसाय बिजनेस में आपको लाभ की स्थितियां बनी हुई है। अगर आपके बुध की, सूर्य की दशाएं, दशाएं चल रही है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, लाभ मिल सकता है। और आपको यहाँ पर सरकार से फायदा, स्वास्थ्य में किसी तरह की आपकी दिक्कत थी, नर्वसनेस थी, नेगेटिविटी आपके जीवन में बनी हुई थी, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको उन सब क्षेत्रों में रिलीफ मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये टाइम पीरियड आपको कुछ अचानक से लाभ करवा सकता है। इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी पॉलिसीज के पैसे, FD वगैरह के पैसे, ये सब चीजों के जरिए आपको फायदा हो सकता है। लेकिन कोई भी आपका वाद विवाद है, रोबिन, शत्रु, कोर्ट कचहरी जैसी चीजें हैं, वहां सावधानी के साथ में चलिएगा, उसको बढ़ाइएगा मत, अदरवाइज आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। और ये टाइम पीरियड
जो लोग आईटी सेक्टर ऑनलाइन जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, विदेशों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेपर रिलेटेड वर्क, कम्युनिकेशन, इनमें कोई आपसे मिस्टेक नहीं होने पाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। भाग्य पिता इन सब चीजों का साथ मिल रहा है आपको, नौकरी वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो आपको फायदा हो सकता है। और एक चीज आप लोगों के लिए रहेगी, जो स्टूडेंट पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एमएनसी से जुड़ा हुआ कुछ कार्य है, बढ़िया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपका है, उसके लिए भी बहुत फायदा है आपके लिए। आपके स्वास्थ्य, आपके अंदर इस समय पर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, मतलब कि जो भी डलनेस, वीकनेस, नेगेटिविटी आपके अंदर रही होगी, वो सब चीजें धीरे धीरे करके दूर होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और किसी तरह के रिलेशनशिप में या किसी तरह के बच्चों से संबंधित कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ थॉट आपके अंदर आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी रुकिए आप, राहु को निकल जाने दीजिए अपने फिफ्थ हाउस से। बाकी धनु के लिए जो स्थितियां बन रही हैं, ओवरऑल ठीक ट्रांजिट बन रहा है धीरे धीरे करके। सूर्य की दशाएं, बुध की दशाएं होंगी आपके लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं मकर के लिए। देखिए, मकर राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, बहुत सेंसिटिव है। एकदम शांति से यहाँ रहिएगा। घर के अंदर वाद विवाद, कलह क्लेश, खुद के स्वास्थ्य में सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ, फीवर, माँ के स्वास्थ्य में इसी तरह की दिक्कतें, अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो पारिवारिक पक्ष में कलह क्लेश, अशांति, नेगेटिविटी, घुटन जैसा जो माहौल होता है, बिल्कुल उस तरह का माहौल रहेगा। तो एकदम शांति से इसको निकाल लीजिएगा, किसी से उलझिए मत, वाद विवाद मत करिएगा। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मकर वालों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से आपको सावधानी रखनी है। यहाँ पर बच्चों से बहुत बना करके चलना है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगाइएगा पढ़ने पर, पढ़ने से मन आपका हट सकता है, उजड़ सकता है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के प्रति आपके मन में गलत फहमी, नेगेटिव धारणाएं, वाद विवाद, एक डिफरेंस, डिस्टेंस, इस तरह के थॉट आपके अंदर पैदा होंगे, तो अपने मन को थोड़ा सा आप अच्छा रखिएगा। मन आपका बार बार फ्लक्चुएट होगा, सही निर्णय नहीं करेगा, अनिर्णय की स्थिति में आप रहेंगे। और दूसरा ये रहेगा कि आप रिश्तों की दृष्टि से संभाल करके चलिएगा, समय को रचनात्मक कार्यों पे अगर आप लगाएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। फिर गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ से आपके लिए सफलताएं मिलना शुरू होंगी। ये जो समय रहेगा आपका, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, हर तरह से लाभ देगा। रोग, ऋण, शत्रु, सब पे आपके एनिमीज होगा। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा है। कोई फॉर्म फिलअप करना है, करिए। किसी तरह का केस दायर करना है, इस टाइम पर लॉयर से मिलकर करिए। कोई भी डॉक्टर, स्वास्थ्य में दिक्कत है, आपको यहाँ पर लाभ होगा। मेडिसिन, डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी काम करना है कर लीजिए, यहाँ पर आपको फायदा होगा। कोई भी ऐसे काम जिसमें आप सफल होना चाहते हैं आगे चल करके, उसकी शुरुआत आप यहाँ कर सकते हैं। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। हर एक तरीके से आपका यहाँ पर समय अनुकूल है, लाभ मिल रहा है, रुके अटके कार्य पूरे हो रहे हैं, शत्रुओं का परास्त कर रहे हैं। हर तरह से समय आपके लिए बहुत पक्ष का बना हुआ है, इसका फायदा ले सकते हैं। इसी तरह का फॉर्म फिलअप करने के लिए समय बहुत अच्छा है। जो कंपटीशन के फॉर्म भरे जाते हैं आजकल, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो आप यहाँ पे भरिए, फायदा होगा। शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये भी वापस आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपको बहुत सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, पैसों का लाभ, कार्यों का बनना, जितनी भी पॉजिटिव चीजें होती हैं वो सब कुछ आपके साथ में यहाँ पर हो सकती है। दाम्पत्य में किसी तरह की परेशानी है, पार्टनर से बात करिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, यहाँ प्रपोज कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस में किसी को पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड में बनाइए, वो आपके लिए लकी साबित होगा। खुदरा व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा है। दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी, रोजगार में आपको फायदा होगा। जो डेली जिनकी दुकानों पे रोज कस्टमर आते हैं, उनके लिए बड़ा पैसा यहाँ पर मिलता है, माने खूब ग्राहक आएंगे, खूब पैसे आपको मिलेंगे। तो हर एक तरीके से ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, देखिए इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है। पैसों का तो आपको लाभ मिल रहा है, विदेशों से अगर आपका जो करके कुछ भी काम है, चाहे आप एमएनसीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, वहां के लिए ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हैं। ये टाइम पीरियड आपको कुछ यात्राएं भी करा सकता है, चाहे जॉब की वजह से, चाहे एजुकेशन की वजह से, या आपने सेल्स, टूर, ट्रेवल, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, कुछ ना कुछ आपको जर्नीज मिल रही हैं, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो जाए या प्रोफेशन से जुड़ करके। मंगल आपको जर्नीज दे रहे हैं, विदेशों से संबंध बना रहे हैं, आर्थिक लाभ करवाएंगे। पिता के द्वारा आपको यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल गेन हो रहा है। मदर से संबंधित जितनी भी डिस्प्यूट वगैरह है, वहां आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। वाणी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, भाषा शैली का बहुत बहुत अधिक आप लोग ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए, अगर आप डॉक्टर हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां आपके लिए ठीक है। बुध बैठे हुए हैं रिसर्च के फील्ड से, जिन लोगों का काम है डेप्थ वाले जो विषय है, अकल्स है, साइंटिस्ट है, डॉटा एनालिटिक है, लॉयर है, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपकी कोई कंपनी है, प्रोडक्शन वाली कोई कंपनी है, निर्माण, कुछ आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जमीन के अंदर से जुड़े कार्य हैं, उन सब क्षेत्रों के लिए तो आपके लिए ग्रह स्थितियां काफी अच्छी बनी हुई है।
इसी के साथ साथ ये टाइम पीरियड नौकरी व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा है जिन लोगों की शुक्र की दशाएं चल रही होंगी। जिन लोगों की शुक्र की दशाएं चल रही होंगी तो लोग रिलेशनशिप में है उसको मैरिज की ओर भी ले जाने का मन बनाएंगे, उसके लिए समय अच्छा है। भाषा का ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा भी रुक जाइए, 2 महीने और राहू को निकलने दीजिए, फिर आपके लिए स्थितियां काफी कुछ अनुकूल बन जाएंगी और आप जमीन मकान गाड़ी कुछ भी है ये ले सकते हैं। आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है वहां पर स्थितियां ठीक है, केतु महाराज बैठे हुए हैं, शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे वहां पर, मंगल जो है आपको यात्राएं दे रहे हैं। कम्युनिकेशन का आप लोगों को ध्यान रखना है। मकर वालों को सिर्फ एक ही मेरी सजेशन है कि आप लोग अपने भाषा शैली का जरूर ध्यान रखिए, उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि वक्री शनि आपके वाणी भाव में बैठा है, सूर्य देख रहा है, दोनों प्लेनेट एक दूसरे को देख करके डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन लॉ से बहस लड़ाई और थोड़ा सा इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, मतलब वाणी बिगाड़ने का काम करता है, जिद्दीपन देता है, हठयोग क्रिएट कर देता है। सूर्य सरी शनि आमने सामने होते हैं तो ये अपने अपने कारकत्वों का रिजल्ट तो देते हैं, उसमें नहीं दिक्कत करते, लेकिन रिलेशन को बहुत ज्यादा ही खराब करते हैं। लग्नेश आप स्वयं हैं, अष्टमेश आपका ससुराल पक्ष है, आपके जीवन साथी का पक्ष है, तो भाषा का आपको ध्यान रखना रहेगा, अदरवाइज दिक्कत होती है। भाषा ही मेन होती है प्रॉब्लम देने के लिए। मकर के बाद फिर बात करते हैं कुंभ के लिए। देखिए जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है। हर तरह से मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, यात्राओं से लाभ, पैसों का लाभ, व्यापार, बिजनेस, सारे कार्य आपके यहाँ पर बनेंगे। सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर से काम है, लाभ मिल रहा है। कोई भी आपको फॉर्म फिलअप भरना है, पीआर वीजा के लिए अप्लाई करना है, करिए। किसी भी तरह का ऐसा काम जो आप चाहते हैं आगे चल करके कंप्लीट हो जाए, या आपकी वो विश, वो डिजायर आपकी कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिए। हर तरह से आपको फायदा मिल रहा है, मित्रों से लाभ, कोई भी काम आप यहाँ शुरू करते हैं आपको फायदा हो जाएगा। तो ये समय आपके लिए बड़ा सहयोगी है, कार्यों को बनाने वाला समय है, इसलिए इसका आप फायदा ले लीजिए। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कुंभ वालों के लिए, यहाँ बिल्कुल लो हो, बिल्कुल डाउन रहेंगे आप, मेंटली इमोशनली बिल्कुल आप नेगेटिव फील करेंगे, डिप्रेशन जैसी स्थितियां, कोल्ड का फीवर आपको हो जाए, आपके मदर को हो जाए, माँ के साथ कहा सुनी वाद विवाद हो जाए, घरेलू पक्ष एकदम अशांत हो जाना, पारिवारिक पक्ष ये थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ा हुआ रहेगा। मन आपका जब नेगेटिव होगा तो सारी चीजें यहाँ बिगड़ेंगी, तो शांति से समय को निकालिएगा, बड़े निर्णय कदापि न लीजिएगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहुत तालमेल बना के शांति से रहिएगा, प्रयास करिएगा कि मन को थोड़ा सा ईश्वर, अध्यात्म, मंत्र जाप, पूजा, इन सब चीजों में लगाएं। जब मन खुश नहीं रहे, मन सही नहीं रहे, तो उस समय पर बिल्कुल व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए, उस समय पर किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय पर जो भी आप करेंगे वो गलत हो जाएगा, इसलिए अपने को एकांत में कर लेना चाहिए, ये समय कुछ ऐसा रहेगा। फिर गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपको संबंधों की दृष्टि से ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों के साथ रिश्तों का ध्यान रखना है, जिनके बच्चे बड़े हैं बच्चों से बिल्कुल मत बात ज्यादा बात करिएगा, नहीं बच्चे पलट के जवाब देंगे, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका मन पढ़ने लिखने से उचटेगा, जो लोग रिलेशनशिप में है पार्टनर के साथ में मनभेद मतभेद करेंगे, मन स्थिति आपकी थोड़ी सी संशय वाली, अनिर्णय वाली रहेगी, उच्चाटन वाली जो स्थिति होती है वो रहती है। तो रिश्तों की दृष्टि से समय उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्रिएटिव वर्क पे अगर अपना समय व्यतीत करेंगे तो ये टाइम आपका निकल जाएगा ठीक ठाक। रिश्ते में है तो पार्टनर से उलझिएगा मत, आपके मन में तरह तरह के शंका आएगी अपने पार्टनर के प्रति, तो ये सब करके आप फिर अपना रिश्ता बिगाड़ेंगे। इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से बहस करेंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो खेलेंगे कूदेंगे तो कुछ बिगाड़ लेंगे, मतलब कि रिश्तों की दृष्टि से समय संभालना है। इसके बाद शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आप लोगों के लिए सफलताएं लेकर लेकर के आएगा। सारे रुके अटके बिगड़े कार्य पूरे होंगे, कंपटीशन में आप सफल होंगे, कॉम्पिटेटिव फॉर्म फिलअप करना है यहाँ भरिए, स्वास्थ्य में दिक्कत थी वो आपको यहाँ पर रिलीफ होती हुई मिलेगी, कोई भी आपका रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी वाली चीजें हैं सबको आप यहाँ पर डिफीट कर देंगे। इसलिए जो स्टूडेंट हैं खूब पढ़िए, यहाँ पर कोई फॉर्म भरना है भर दीजिए, किसी तरह का केस वगैरह दायर करना है यहाँ पर लॉयर से मिलके करिए, डॉक्टर से मिलना है यहाँ पर मिलिए, मेडिसिन मिलेगी आपको अच्छी, डॉक्टर अच्छा मिलेगा, कोई भी वाद विवाद चल रहा है यहाँ पर सुलट जाएगा, मतलब हर एक तरीके से शत्रुघ्न को सारे कार्यों में आपको विजय दिलाने वाला समय ये रहेगा। तो आप कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके आप उसमें सफल हो जाए, उसकी आप शुरुआत यहाँ करिए। जिसमें भी आप झंडे गाड़ना चाहते हैं, मतलब सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर के आना चाहते हैं, उससे शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, देखिए ये जो पूरा टाइम पीरियड है थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखिएगा, लगन में आपके वक्री शनि बैठा हुआ है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत तालमेल बनाइएगा, जिद बिल्कुल मत करिएगा, हठ बिल्कुल मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि जो आप कर रहे हैं वही सही है। आपके लगन में जब शशि योग बनता है, शनि लगन में बैठता है, तो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा ये सब दिलवा देता है, लेकिन मेल्फिक प्लेनेट है, क्रूर ग्रह है, स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, तो व्यक्तित्व में एक तरीके की नेगेटिविटी दे देता है, नेगेटिविटी इन द सेंस की
आप थोड़े से रूड हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता लेकिन आपका बिहेवियर रूड हो जाता है, बोलने में पिंचिंग बोल देंगे, तो वाणी का ध्यान रखिएगा। स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों को बहुत अच्छे से टैकल करके चलिएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में भी चल रहे हैं सूर्य और बुध, तो दोनों ही, आप अपने घर में हैं, आपका पार्टनर अपने घर में बैठा है, दोनों प्लैनेट एक दूसरे के शत्रु हैं, कोई किसी से कम नहीं है। जब आप किसी से कम नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर विवाद होगा, एक को झुकना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट बैठे हुए हैं तो झुकेंगे नहीं, तो झुकेंगे नहीं तो जिनकी विवाद वाली स्थितियां चल रही होंगी उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। बिगड़ेगा नहीं, मतलब टूटेगा नहीं कुछ भी, लेकिन अशांति कलह तो निर्माण कर देगा ना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कुंभ वालों को और मकर वालों को, अपने एटीट्यूड का, अपने नेचर का, अपने प्रेजेंटेशन का जरूर ध्यान रखा करिए। बहुत मेहनती ये लोग होते हैं, बड़े ज्ञानवान होते हैं, बड़े दानशील होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भी होते हैं, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ को ये लोग खूब अच्छे से तबाह करते हैं। तबाह करने का मतलब होता है उसमें ये पता नहीं क्या कर देते हैं कि वहां से इनको हमेशा ही डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं राशिफल बता रही हूँ लेकिन प्लैनेट्स दिख रहे हैं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो कुंभ वाले अपने एटीट्यूड का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में ठीक है स्थितियाँ? जिन लोग की गुरु और राहु की दशाएं चल रही होंगी तो नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस, आर्थिक लाभ, ये भी आपको बराबर अच्छा मिल रहा है, अच्छी बात है। कुछ भी आप व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं वहां भी आपको फायदा हो रहा है, ये भी एक अच्छी चीज है। लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। कुछ लोग रिश्ते में होंगे जो कि मैरिज की ओर जाने का मन बनेगा, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। ये टाइम पीरियड आपकी माँ के लिए और पिता के लिए दोनों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का उनके ध्यान रखिएगा। सेहत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, बाकी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। जॉब को लेकर के हो सकता है आप कुछ यात्राएं करें। मदर की सेहत और मामा पक्ष का थोड़ा सा समय हल्का सा कम अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप लोगों के लिए समय जा रहा है। व्यापार बिजनेस के दृष्टि से समय बहुत ही अच्छा है और गवर्नमेंट से आपको फायदा हो सकता है, सरकार से आपको फायदा के लिए बराबर बना। अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन का। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है मीन के लिए, ये औसत समय है। यहाँ पर बिल्कुल शांति से रहना है, वाणी का, भाषा का, खान पान का ध्यान रखना है। ये समय थोड़ा सा आपको सुस्ती देगा, आप अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको लगेगा जैसे आप थके थके से कमजोर महसूस करेंगे, मन थोड़ा शांत रहेगा तो बचा करके चलिएगा। और अधिक किसी से होप नहीं करनी है यहाँ पर, कड़वा मत बोलिएगा, वाणी में एक फ्लक्चुएशन आ सकता है तो बोलने में गड़बड़ करके फिर अपने लिए समस्या पैदा कर ले, ऐसा कुछ हो सकता है। खान पान सही रखिएगा और पैसों का लेन देन यहाँ पर विशेष रूप से सावधानी के साथ में करिएगा। फिर मंगलवार दोपहर 12 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए हर एक तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। मास मीडिया, आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, यात्राएं, हर तरह से आपको लाभ मिल रहा है। सारे रुके अटके बिगड़े सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप करेंगे सब आपके लिए सफल होगा। कोई भी पेपर में साइन करना है, कहीं पेपर रिलेटेड वर्क करना है, पीआर वीजा के लिए अप्लाई करना है, कोई फॉर्म फिलअप करना है, आप यहाँ करिए। कोई भी ऐसा काम जिसको आप आगे चल करके चाहते हैं कि वो काम आपका कंप्लीट हो जाए, विश कंप्लीट हो जाए, उसकी आप शुरुआत यहाँ पर करिए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड आप यहाँ काम करिए। हर एक तरीके से आपकी नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, जो एक सफलता से भरा हुआ समय होता है, ऐसा ये टाइम पीरियड रहेगा। कुछ भी आप यहाँ करते हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, यात्राएं कर रहे हैं, सब आपको फायदा कर देंगे। किसी भी तरह का आपका काम हो सब में आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा समय है ये आपका, इसका फायदा ले लीजिएगा। फिर गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर के शनिवार रात 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपका सेंसिटिव समय है। यहाँ बिल्कुल शांति से आपको बैठ जाना है। मेंटली इमोशनली बिल्कुल आप लो हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, सर्दी, कोल्ड, कफ, फीवर, आपको या आपके मदर को हो जाए। ये सब चीजें नहीं है तो मदर से कहा सुनी वाद विवाद हो जाए, ये सब भी नहीं है तो पारिवारिक पक्ष अशांत हो जाए। तो ये थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर आपको बचाव करना है। बड़े निर्णय मत करिएगा, किसी से ज्यादा मिलिएगा मत, बात मत करिएगा, एकदम शांति से समय को निकाल लीजिए। पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, मंत्र जाप, इन चीजों के समय व्यतीत करिएगा। फिर शनिवार रात 12 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर आपको बच्चों से बचा के चलना है, बच्चों से वाद विवाद नहीं करना है। जिनके बच्चे छोटे हैं उनका ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, जिनके बच्चे बड़े हैं उनके साथ बहुत प्यार से बात करना है, नहीं बच्चे पलट के जवाब देंगे और बहुत रफ बिहेवियर करेंगे तो फिर दुख होता है। जब बच्चे बड़े होकर इस तरह से करते हैं तो पेरेंट्स को बहुत कष्ट होता है। तो इस टाइम पीरियड में जिनके बच्चे बड़े हैं उनसे ज्यादा बात मत करिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर से आपका मन उलझने का करेगा, बिना मतलब के आप उससे लड़ाई करना, झगड़े करना, उनके ऊपर शंका करना, डाउट करना, डिफरेंस, डिस्टेंस, ये सब चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो आपका मन पढ़ने लिखने से उठ जाएगा, मतलब जो आपका मन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। अनिर्णय की स्थिति में आप रहेंगे तो इस समय को आपको शांति से निकालना चाहिए। बल्कि अगर आप रचनात्मक कार्यों में अपने समय को लगा देंगे तो वो आपके लिए फायदा कर देगा। अदरवाइज मतलब को यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का उपयोग जो है, अपने मन का उपयोग थोड़ा सा अच्छे कार्यों पे करना है, अदरवाइज आपका मन भटकेगा।
भटकेगा तो फिर उल्टे सीधे ही काम करेगा, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन में तो यूज करेगा नहीं, तो इस तरह की मनस्थिति समय पर रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी मेन वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड देखिए नौकरी व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अगर आपके गुरु राहु की दशाएं तर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होंगी तो कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन आपको मिल जाएगा, और जॉब से संबंधित कुछ इवेंट हो सकती है। पैसों की दृष्टि से समय अच्छा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आपका खुद का पैसा, ये सब चीजें मिल सकती है, नौकरी के जरिए से आपको पैसा मिल जाए। और इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, ये समय आप लोगों के लिए देखिए कुछ पैसों का निवेश करा सकता है, या पैसे आपके कहीं बाहर खर्च हो जाएं, यात्राओं के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ऐसे चांसेस बने हुए हैं। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, इन चीजों से बचा करके अपने आप को रखिएगा, क्योंकि आपकी 7.5 शुरू हो रही है, शुरू हो गई है। और शनि की जो प्लेसमेंट है आप लोगों के लिए, अभी वक्री शनि 12वें भाव में आपके चल रहे हैं, लाभ के मालिक हैं, खर्चे के भाव में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, तो इनको पैसे खर्चे करवाने हैं, तो आप प्रयास करिएगा कि सारे पैसे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में दीजिएगा, जिससे आगे चल करके वो पैसा आपको लाभ दे दे, क्योंकि यही शनि आपके लाभ के भी मालिक हैं। लेकिन इनको पैसे खर्च कराना है, 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन चीजों से बचा के रखिएगा। अदरवाइज इनके ऊपर भी शनि आपके पैसे खर्च करा सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिसर्च हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए शनि आपको बहुत सपोर्ट करेगा। स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई जॉब वगैरह आप चाहते हैं, तो वहां पर अगर आपके सूर्य बुध की दशाएं चल रही होंगी तो वो आपको बहुत फायदा कर देंगे, वहां आपको फायदा होगा। लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जो आपकी मदर है उनके शरीर से संबंधित, मतलब उनको स्वास्थ्य में छिटपुट कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है, मतलब नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, या उनको जैसे लगे कि घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, ऐसा कुछ छिटपुट छिटपुट जो माँ है उनके स्वास्थ्य में ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ साथ जितने भी अमीन वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए देखिए रिश्तों में जाने के योग बराबर बने हुए हैं। जो स्टूडेंट रिसर्च वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, मतलब कि आप हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, तो वहां तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो पढ़ने में थोड़ा अवरोध भी आ सकता है, फ्लक्चुएशन आ सकता है, आपका मन रुझान थोड़ा सा रिलेशनशिप की ओर बढ़ सकता है, गलत चीजों की ओर थॉट प्रोसेस आपकी बढ़ सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। रचनात्मक कार्यों पर आप काम करेंगे, तो ये शुक्र जो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के फिर मार्गी होंगे जो भी हैं, ये शुक्र तो ये आपको फिर फायदा करवा देंगे, मतलब कि रचनात्मक कार्यों से, क्रिएटिविटी से आपको ये लाभ भी करवा देंगे, अगर आप इनकी एनर्जीज को सही तरीके से यूज करते हैं उस स्थिति में। अदरवाइज ये आपके पढ़ाई में थोड़ा सा खलल पैदा कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो फोकस पढ़ने पर लगाइएगा, और अगर आप हायर स्टडी से जुड़े हुए हैं, तब ये शुक्र आपको दिक्कत नहीं पैदा करेगा, क्योंकि रिसर्च का भी मालिक है, 8वें भाव का मालिक हो के, तीसरे भाव का मालिक हो के, आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो रिसर्च वगैरह का कनेक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दे सकते हैं ये। बाकी आप लोगों के लिए धन कहीं ना कहीं से आने के योग बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। शनि के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और मंगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा जब आपके कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपका जो भाग्य है वो अपने पार्टनर के माध्यम से खुलने वाला है, ये एक अच्छी चीज है। व्यक्तित्व में एक मजबूती रहेगी। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव में मंगल आपके बैठ गए हैं, तो वो करेंगे क्या कि कई बार वो आपके लिए योग कारक ग्रह होता है, मंगल तो फायदा करवाता है, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा सा तेज है, तो पार्टनर के साथ में थोड़ा बना करके चलिएगा। अगर मंगल की दशाएं वगैरह चल रही हैं तो आपको लाभ भी होगा, लेकिन इसका बेसिक स्वभाव है डिफरेंस पैदा करने का, डोमिनेटिंग नेचर होता है मंगल का, तो अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट मत करिएगा, मतलब कूल होके रहिएगा, और भाषा शैली का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल आपके साथ में बैठ करके आपके वाणी भाव पे दृष्टि डालेगा। इसलिए तो इस तरीके से मीन वालों के लिए भी जो ये रहेगा सप्ताह, इस तरह से रिजल्ट दे रहा है। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो सप्ताह है, एक मिला जुला प्रभाव देगा, और बिल्कुल सामान्य गोचर के ऊपर आधारित ग्रहों के ऊपर ये प्रेडिक्शन है मेरी। बड़े ग्रहों को भी मैं इन्वॉल्व कर लेती हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मेरा पर्पज रहता है कि साप्ताहिक राशिफल भी आप समझें और साथ में अपने समय को अच्छे तरीके से जान पाए, इसीलिए बड़े ग्रहों को इन्वॉल्व कर लेती हूँ। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को समय पर मिल पाए। और सारे वीडियोज मैंने दे दिए हैं राहु केतु ट्रांजिट के, उसको आप देखिए, और जो मंथली ट्रांजिट के वीडियो हैं और मंथली प्रोडिक्शन वाले वीडियो हैं, आप ये सब चीजें देख सकते हैं। और फिर से आप लोगों को थैंक्स बोलती हूँ, फिर कुछ लेकर के आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।